सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अंतर्गत जदिया थाना क्षेत्र के बाजार स्थित पेट्रोल पंप समीप एटीएम मशीन की है। कैश पदाधिकारी आशीष कुमार एवं एसआईएस वाहन ड्राइवर ने बताया कि सुपौल जिला के एसबीआई बैंक से एसआईएस कंपनी के वाहन से 45 लाख रुपए लेकर जदिया बाजार स्थित एटीएम मशीन में डालने आया था। जैसे ही हम लोग 45 लाख रुपए से भरा सूटकेस लेकर एटीएम मशीन के अंदर जा रहे थे कि अचानक दिन दहाड़े दो अज्ञात बेखौफ अपराधियों ने हवाई फायरिंग करते हुए आया और संजय कामत गार्ड को सर में गोली मारकर रुपए से भरा सूटकेस लेकर हवा में गोली लहराते हुए फरार हो गया। बाद में गार्ड संजय कामत की मौत हो गई। खुलेआम दिन दहाड़े बेखौफ अपराधी दे रहे हैं प्रशासन को चुनौती। वहीं एसपी मनोज कुमार को सूचना मिलते ही कमान संभालते हुए तत्परता दिखाते हुए जांच के लिए जुट गई हैं। स्वर्णा रानी के साथ सुपौल से बलराम कुमार की रिपोर्ट। अनिल कुमार सिंह, अभी आप कौन चीज करते हैं? गार्ड में है। ये कौन सा विभाग में? कौन सा विभाग में है? एसआईएस में। अच्छा, तो अभी क्या कहाँ पर क्या घटना हुआ? जदिया में 7 नंबर पर हम लोग पैसा लेकर के लोडिंग करने के लिए गया, एक कस्टोडियन और गार्ड। अच्छा। एटीएम के नज़दीक भीतर ये लोग जैसे गया कि वहाँ एक फायर किया, फायर किया, हम लोग अपशंक हो गए कि क्या पटाखा छूटा, क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद बोली चला दिया, गार्ड गिर गया। कहाँ लगा गार्ड का गोली? कपार में। अच्छा, तो और क्या हुआ उसके बाद? वो लोग तो मोटरसाइकिल लगाया हुआ था लेकर के भाग गए। कितना आदमी था? हम तो देखे जो 3 ठो एक गाड़ी पर था, एक गाड़ी पर 2 ठो था। क्या लेके गया, क्या लेके भागा? वही बैग में रुपया था, वही लेकर के। कितना रुपया था? 45 लाख। 45 लाख रुपया था। ये कहाँ से लेके आए थे आप लोग? सुपौल से। सुपौल जिला से। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार सिंह। कहाँ घर है? मेरा घर है मालिकाना, सुपौल डिस्ट्रिक्ट। आप क्या करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं एसएस कंपनी में। अच्छा, अभी कहाँ थे जदिया में, कहाँ पर क्या घटना हुआ है? एटीएम में कैश लेके वीआईपी में लेके जा रहा था। कहाँ पर? जदिया एटीएम में, 7 नंबर एटीएम है। बस कैश लेके लोग गाड़ी से वीआईपी में कस के अपना जा रहा था एटीएम लोडिंग करने, और जैसे वहाँ वीआईपी रखा और शटर गिरा था, इतने में 2 आदमी जो है वीआईपी पकड़ा और एक हाथ से गोली चलाना शुरू कर। तो पहला गोली इन्हीं को लगा, उसके बाद किसको लगा? संजय कामत गार्ड। अच्छा, इसको लगा नाम था इसका, संजय नाम। तो पहला गोली इन्हीं को लगा, उसके बाद 3 फायरिंग और किया लोग, जैसे में सब पब्लिक जमा हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ, मोटरसाइकिल पर लोग बैठे हुए। कितना रुपया था बैग में? 45 लाख। अच्छा, इसको जो गोली लगा तो ये कहाँ पर लाए इसको? त्रिवेणीगंज सदर अस्पताल। क्या क्या स्थिति है उसका? इसका स्थिति दयनीय है, समाप्त हो गया, मतलब डेड कर गया जी। बहुत ज़्यादा ब्लड गिर गया माथा से। हॉस्पिटल लाने से पहले मर गया क्या? नहीं, यहाँ घोषित किया है, फक कर रहे थे। गाड़ी में कितने लोग थे? गाड़ी में हम लोग 5 आदमी थे। गार्ड कितना था? 2 गार्ड, 1 ड्राइवर, 2 कस्टोडियन। ये रुपया लेके आप लोग कहाँ से लेते? हम लोग सुपौल स्टेट बैंक से चले। आप लोग कॉन्टैक्ट पर जाते हैं जी? नाम बोलिए ड्राइवर साहब। मेरा नाम हुआ आशीष कुमार सिंह। आप क्या करते हैं? हम एटीएम में पैसा डालते हैं, कस्टोडियन है। तो अभी जदिया में क्या हुआ था? जदिया में ये हुआ कि हम लोग लोडिंग के लिए जैसे ही उतरे, हम एटीएम के अंदर थे, अपना जो भी रिपोर्ट होता वो बना रहे थे। उसके बाद मेरा एक लड़का, 2 लड़का रहते हम लोग, एक लड़का और एक गनमैन, दोनों कैश लेके जैसे ही पहुंचा उसके पीछे, मतलब आम आदमी की तरह आया उसके पीछे, वो लोग ऐसे ऐसे किया, उसके निकाला अपना हथियार, उसके बाद फायर किया, 2 फायर किया। उसके बाद एक मेरे गनमैन के सर पे मारा गोली और वीआईपी लिया, गार्ड को गोली मारा। हाँ, गार्ड को गोली मारा, हम लोगों को नहीं मारा है। उसके बाद वो वीआईपी लेके भागा, उसके बाद फिर 1-2 राउंड वो बाहर में भी फायर किया। कितना राउंड किया ये तो हम गिन नहीं पाए। कितने आदमी की संख्या में थे? हम तो 2 को देखे, बाहर बाइक पे जितना आदमी हो। बाइक से था? हाँ, बाइक पे था। तो 2 आदमी तो फायर कर ही रहा था, अब आगे बगल में कितना था वो नहीं। कितना रुपया था? 45 लाख था। गार्ड का क्या स्थिति है? गार्ड डेड हो गया है, त्रिवेणीगंज हॉस्पिटल में है। जब तक हम लोग लेके पहुँचे त्रिवेणीगंज, यहाँ डॉक्टर बोल रहे हैं कि डेड। अभी जो है एक पेशेंट आया था गोलीकांड वाला, क्या मामला था, क्या स्थिति है उसका? मरा हुआ ही आया, डॉटेड, किसी ने, कोई क्रिमिनल ने उसको गोली मार दिया है। एटीएम का रखवाली करने वाला गार्ड था, और वहाँ से लेके आया जरिया से मरा हुआ है।
थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया, गोली भी मारा गया। SIS कंपनी है जो कैश लोडिंग में काम करते हैं। 4 बजे जदिया चौक के पास ही एक ATM में पैसा इनको डालना था, कैश लोडिंग के लिए बाहर वेट कर रहे थे लोग। उसी समय 2 अपराधी जो कि लोग बताया आए, उसमें से एक ने सीधा बिना कोई वार्तालाप के कार्ड को गोली मार दिया, जिससे अपना तुफी मच गई और इसका फायदा उठा करके इनका ऐसे का जो ब्रीफकेस है वो लेकर के चंपत हो गया। इसमें सर गोली भी लगी है, उसका मौत क्या बताया? इसमें है जो हम डिफरेंट टीम बनाए हैं जो डिफरेंट टीम ऊपर जांच कर रही है, एक बार गोलिया पूरा आ जाए उसके बाद जो आगे कार्रवाई होगी। ये निजी कंपनी कर रही थी क्या? ये SIS कंपनी है जो कैश लोडिंग का काम करती है। SBI से कौन सा है? SBI का ATM में पैसा डाल रहे थे। मतलब एक गार्ड की मौत हो चुकी है। बिल्कुल। इस पर सर क्या कहना चाहेंगे, कुछ इसका जानकारी? मैं स्वयं हूँ यहाँ पर डिफेंटी में काम कर रही हूँ, ये घटना का सिर्फ हम लोग उद्घाटन करेंगे। अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल News Crime 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।